हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप पर किसी भी कागज़ या फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगा और साथ ही डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप पर किसी कागज़ या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहां पर टाइप करें डॉक्यूमेंट स्कैनर। तो चलिए टाइप कर लेते हैं सर्च बार पर डॉक्यूमेंट स्कैनर। टाइप करने के बाद सर्च कर लें। सर्च करने के बाद बहुत सारा ऐप आएगा, तो आप तीसरे नंबर पर नज़र आ रहे डॉक्यूमेंट स्कैनर मेड इन इंडिया वाले ऐप के ऊपर ही क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने पहले ही ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। तो इंस्टॉल होने के बाद यहां से आप डायरेक्टली ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अगर आपके पास पहले से फ़ोटो है तो आप कैमरा वाले आइकन के ठीक बगल में नज़र आ रहे गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। वहीं अगर आपके पास नहीं है और आप हैंड टू हैंड फ़ोटो लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर फ़ोटो खींच लें। और एक बात बता दूं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन नज़र आ रहा है, आईडी कार्ड का, डॉक्यूमेंट का, बुक का, फ़ोटो का और क्यूआर कोड का। देख सकते हैं क्यूआर स्कैनर का। तो अगर आप अपने आईडी कार्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आईडी कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को ही रहने देता हूँ। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपने अनुसार साइज क्रॉप कर लें एडजस्ट करके। एडजस्ट करने के बाद नीचे की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे सही के निशान के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए कलर फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपने अनुसार कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर ही नज़र आ रहे राइट साइड में सही के निशान के ऊपर क्लिक करें। फिर से सही के निशान के ऊपर ही क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वापस चलें। वापस चलने के बाद देख सकते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब पीडीएफ के ठीक बगल में राइट साइड में नज़र आ रहे थ्री डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन नज़र आ। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। वहीं अगर आप पीडीएफ का साइज घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां से इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं एमबी या केबी में यहां पर। तो चलिए मैं गुड कर देता हूँ। यहाँ से गुड करने के बाद वापस चलें। वापस चलने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट के बगल में राइट साइड में नज़र आ रहे थ्री डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए आप मल्टी साइड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आप ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट बहुत सारे। ऐड करने के बाद ऊपर की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वापस चलें। वापस चलने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप किसी सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों या किसी और के पास शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे फिर से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से बहुत सारा सोशल मीडिया आ जाएगा। तो यहाँ से आप जिस पर भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। तो वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप ईमेल पर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं।
सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी किसी भी कागज या डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी भेज सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।